नमस्कार दोस्तों, आज जो विषय मैं लेके आया हूँ ये भी न्यूबॉर्न केयर का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और स्पेशली अब जो मौसम शुरू हो रहा है गर्मी का, और इससे बाद और गर्मी का मौसम आएगा, ड्राई मौसम आएगा, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये प्रॉब्लम बच्चे के पैदा होने के 1.5-2 दिन के बाद शुरू होती है और 4-5 दिन तक रहती है। और स्पेशली उन बेबीज में ज्यादा होती है जिनको ब्रेस्ट फीड थोड़ा कम मिल रहा होता है, प्रॉपरली मदर इनिशिएट नहीं कर पा रही है, प्रॉपरली पिला नहीं पा रही है, उन केसेस में और भी ज्यादा होती है। ये प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन फीवर, मतलब बच्चा प्रैक्टिकली डिहाइड्रेटेड हो जाता है गर्मी होने की वजह से, ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से और कम फीड की वजह से। और उसकी वजह से बच्चे का एक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, 37-38 तक चला जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस। और सेकेंड, बच्चा क्राई करता रहता है और उस चक्कर में फीड ऑन लेता है। जब भी फीड की लगाएंगे मदर से टच करता है तो और गर्म हो जाता है, बिल्कुल फीड नहीं लेता है। और ये प्रॉब्लम अभी शुरू हो गई है, मेरे पास भी वार्ड में 2-3 पेशेंट ऐसे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो बच्चे और होंगे उनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि क्यों हो रहा है, या आपको डॉक्टर ने ये चीज बताई, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि डिहाइड्रेशन फीवर क्या होता है, क्या है। तो इसलिए मैं आपको ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूं कि डिहाइड्रेशन फीवर एक एंटिटी होती है न्यूबॉर्न में और इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका बेसिक इलाज यही है कि एनवायरनमेंट को ठंडा किया जाए, थोड़ा उस एरिया को हल्का सा ठंडा किया जाए, बच्चे के कपड़े थोड़े से कम किए जाए, लेकिन बहुत ही बैलेंस रख के करना पड़ता है कि बच्चा ठंडा ना हो। क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर अगर 36 से नीचे चला गया तो बच्चा ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। 36.5 होना चाहिए उसका टेम्परेचर, उससे नीचे चला गया तो वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने में रिस्क और भी ज्यादा है। तो इसलिए आपको हल्का सा बच्चे को खोलना है, कपड़े कम करने हैं, डायरेक्टली देखना है कि आपने अगर कंबल वगैरह में बच्चा रखा हुआ है तो आप कॉटन की शीट पे रखिए, कंबल हटा दीजिए। और स्पेशली जब दोपहर के 1-2-3 बज जाते हैं और उसके बाद जो हीट आती है, और फिर दीवार से भी हीट आती रहती है, सीलिंग से भी हीट आती रहती है, तो वो 8-9 बजे तक टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा गर्म रहता है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, उस टाइम ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो जिस रूम में बच्चा रखा है उसमें दूर, थोड़ा सा दूर, बच्चे के डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा दूर आप पंखा चला सकते हैं। अगर एसी रखा हुआ है आपने तो एसी आप 26 डिग्री पे स्टार्ट कर सकते हैं, 27 डिग्री पे टेम्परेचर रख सकते हैं अगर हॉट एंड कोल्ड एयर का एसी है। और डायरेक्टली फिर भी उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर डायरेक्टली हवा नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ठंडा होने से बचाना और भी ज्यादा जरूरी है गर्म होने के बनिस्पत। सेकेंड, इसमें पैरासिटामोल का कोई बहुत रोल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी देनी पड़ती है। सेकेंड, स्पॉन्ज कर सकते हैं आप बच्चे को हल्का सा, जब आपको लगे बहुत गर्म हो गया है, खुला रखने से भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आप उसको कोसे पानी से स्पॉन्ज कर सकते हैं 4 से 6 घंटे में एक बार, ठीक है। 2 से 5 मिनट के लिए आप स्पॉन्ज करिए। लेकिन आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम घर पे आ गई है तो बेटर आप हॉस्पिटल चले जाइए, क्योंकि अगर वेट ज्यादा फॉल कर रहा है, डिहाइड्रेशन फीवर तभी होता है, तो उसमें कई बार आईवी फ्लूड देना जरूरी हो जाता है, मतलब बच्चे को एडमिट करना जरूरी हो जाता है, उसमें थोड़ा उसको आईवी फ्लूड्स होते हैं वो देना जरूरी होता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट होते हैं, उसका ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट होता है, तो वो सारी चीजें हॉस्पिटल में ही हो पाएंगी। तो इसलिए आप उसको जो है जाके नजदीक के अपने पीडियाट्रिशियन के पास दिखाइए और सलाह लीजिए। तो इसमें सिर्फ यही होता है कि बच्चा इरिटेट रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, बहुत गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, थोड़ा लाल ज्यादा हो जाएगा, दूध नहीं पिएगा सही से, यूरिन पासेज भी कम हो जाता है। जैसे रूटीन में बच्चा अगर अच्छे से फीड कर रहा है, कंफर्टेबल है, तो बच्चा 24 घंटे में 5 से 6 बार तो यूरिन करता ही करता है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बच्चा दिन में हो सकता है 1 या 2 बार ही यूरिन करे, तो वो भी एक साइन होता है। तो इस चीज से घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चा एक्टिव है तो बहुत डरने की बात नहीं है, लेकिन इरिटेट हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा रह रहा है और कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी है। और अगर उनको जरूरत लगती है कि बच्चे को एडमिट करने की जरूरत है तो 1 दिन आप एडमिट भी करा सकते हैं, 1 या 2 दिन में बच्चा सही हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली गर्मियों के सीजन में। तो अब जो सीजन आ रहा है इसमें 2-3 महीने 4 महीने तक की दिक्कत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, होगी कुछ ही बच्चों को, ऐसा नहीं है कि 100% बच्चों को होती है, 100 में से 3-4 बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ज्यादा नहीं, 96-97% बच्चे इस प्रॉब्लम से नहीं जूझते हैं, ठीक है। तो 2 से 3% बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कारण बहुत सारे होते हैं उसमें, लेकिन मेन कारण होता है एम्बियंट टेम्परेचर और कम ह्यूमिडिटी। तो
और कम फीड मिलना। तो दोस्तों आज के लिए इस विषय पर इतना ही। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं आपके बेबी केयर से रिलेटेड। और सेकंड, अगर आप पहले से इस चैनल के मेंबर हैं तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या आप कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाके आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।